हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीके लॉ क्लासेस। और आज हम लोग समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के पार्ट फोर को। पार्ट वन और टू और थ्री में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं और लास्ट टॉपिक बचा हुआ है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि एक भी सेक्शन मिस ना हो और कम्प्लीट आपका चैप्टर कवर हो जाए। और दोस्तों, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। ये आता है सेक्शन 201 में। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ख़त्म करना, कोई कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना। तो यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का मतलब है एजेंसी का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो प्रिंसिपल और एजेंट के द्वारा होता है, उसे ख़त्म कैसे करेंगे। तो दोस्तों, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के लिए कई तरीके हैं। जैसे यहाँ पे 7 तरीके हमने मेंशन किए हुए हैं। तो पहला है रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? जब प्रिंसिपल खुद ही कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करे, उसे रिवोकेशन कहते हैं। रिनाउंसिएशन बाय एजेंट, मतलब जब एजेंट ख़त्म करता है कॉन्ट्रैक्ट को, उसे रिनाउंसिएशन कहते हैं। थर्ड है कंप्लीट ऑफ बिजनेस। जब बिजनेस कंप्लीट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का, तब भी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, उसको हम कंप्लीट ऑफ बिजनेस टर्मिनेशन कहते हैं। फोर्थ है प्रिंसिपल और एजेंट डेथ। प्रिंसिपल या एजेंट में से किसी की भी डेथ हो जाती है, तब भी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। पाँचवा है प्रिंसिपल और एजेंट अनसाउंड माइंड। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो प्रिंसिपल और एजेंट है, कोई भी अगर अनसाउंड माइंड का हो गया, मतलब पागल हो गया मान लो बीच में, तब भी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। और छठा है इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दिवालिया हो जाए, उसके पास कोई पैसे ही ना बचे, तब भी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। और सातवा है एक्सपायरी ऑफ टाइम। जब एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें कोई टाइम डिसाइड हुआ है अगर, और वो टाइम कंप्लीट हो जाता है, तब भी टर्मिनेट हो जाता है एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमने 7 पॉइंट पढ़े कि एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कैसे टर्मिनेट होता है, कैसे ख़त्म होता है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 203 की। 202 को हम उसके बाद समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 203 में क्या कहा गया है? When principal may revoke agent authority, principal कब agent की authority जो भी दिया है उसको revoke कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। To revoke the authority given to his agent at any time before the authority has been exercised so as to bind the principal. तो जो principal है वो किसी भी time authority को revoke कर सकता है जो उसने agent को दिया हुआ है, लेकिन तभी कर सकता है जो वो अगर कोई काम उसको दिया हुआ है करने के लिए, अगर उसने काम स्टार्ट नहीं किया, एजेंट ने कार्य को स्टार्ट नहीं किया है, तो स्टार्ट करने से पहले वो रिवोक कर सकता है, अथॉरिटी उससे छीन सकता है। लेकिन अगर उसने काम स्टार्ट कर दिया है एजेंट ने, तब वो रिवोक नहीं कर सकता। तो ये सेक्शन 203 कहता है। अब बात करते हैं सेक्शन 202 की। तो दोस्तों, सेक्शन 202 में क्या कहा गया है? टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एजेंट हैज़ एन इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। तो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कैसे होगा? जब एजेंट का उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है, मतलब उसमें उसका कोई लाभ है, तो कैसे होगा? इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए गिव्स अथॉरिटी टू बी। ए ने बी को अथॉरिटी दी टू सेल एज लैंड, कि मेरा ज़मीन बेच दो और जो भी पैसा मिलेगा उसको तुम्हारा जो बकाया अमाउंट है उसका, मान लो कमीशन वगैरह है, उसने दिया नहीं है, उसकी सैलरी वगैरह, या फिर कोई डेब्ट बचा हुआ है एजेंट का जो प्रिंसिपल को देना है, उसे तुम रख लेना अपने पास ड्यू टू हिम फ्रॉम ए। ए कैन नॉट रिवोक दिस अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसकी अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकता कि नहीं तुम मत बेचो मेरा लैंड, क्योंकि अगर लैंड वो बेचता है एजेंट, तो उससे उसको जो भी प्रॉफिट होगा, तो वो अपना डेब्ट उससे रखेगा अपने पास, क्योंकि एजेंट का इसमें
इंटरेस्ट है, उसको लाभ है, तो वो टर्मिनेट नहीं कर सकता एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल। तो दोस्तों इसी सेक्शन में टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी नहीं होता है, बाकी आगे के सेक्शन में टर्मिनेशन होगा। तो आगे देखते हैं सेक्शन 204। तो दोस्तों सेक्शन जो 204 में क्या कहा गया है, रेवोकेशन वेयर अथॉरिटी हैज़ बीन पार्टली एक्सरसाइज। तो अगर कोई कार्य प्रिंसिपल ने एजेंट को दिया है और उसने कार्य स्टार्ट कर दिया, उस वर्क को स्टार्ट कर दिया है, पार्टली एक्सरसाइज कर दिया है, उस कार्य का पार्ट वर्क हो चुका है एक पार्ट, तो क्या हुआ? तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू हिज एजेंट आफ्टर द अथॉरिटी हैज़ बीन पार्टली एक्सरसाइज। अगर अधूरा कार्य हो चुका है, आधा काम हो चुका है, तो प्रिंसिपल जो है अथॉरिटी नहीं ले सकता, रिवोक नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि सेक्शन 204 में अगर आधा काम हो गया है तो रिवोक नहीं होगी अथॉरिटी। इसके बाद देखते हैं सेक्शन 205 में, इसमें क्या कहा गया है, कंपनसेशन ऑफ रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रिनाउंसिएशन बाय एजेंट। इसमें दोस्तों क्या कहा गया है कि अगर प्रिंसिपल या एजेंट दोनों में से कोई भी रिवोक करता है, मतलब टर्मिनेट करता है एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट को, ख़त्म करता है, तो कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर किसी को भी लॉस होता है। तो प्रिंसिपल अगर टर्मिनेट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवोकेशन कहते हैं। और एजेंट जब टर्मिनेट करता है कि मतलब बोल दे कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना है, तो उसे हम रिनाउंसिएशन कहते हैं। दोनों का मतलब टर्मिनेशन ही होता है, लेकिन जब प्रिंसिपल करेगा तो उसे हम रिवोकेशन कहेंगे, और एजेंट जब करेगा तो उसे रिनाउंसिएशन कहेंगे। तो दोनों में से कोई भी अगर टर्मिनेट करता है, मान लो अधूरा काम हो गया है, आधा काम, और बीच में टर्मिनेशन होता है, तो जिसको लॉस होगा, मान लो प्रिंसिपल करता है, एजेंट टर्मिनेशन करता है, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करता है, एजेंट को लॉस होता है, तो प्रिंसिपल लॉस को कंपनसेट करेगा एजेंट को। और अगर एजेंट करता है, बीच में काम छोड़ के जाता है, तो एजेंट को प्रिंसिपल को कंपनसेट करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 206 की, इसमें क्या कहा गया है, नोटिस ऑफ रिवोकेशन और रिनाउंसिएशन। तो दोस्तों इसमें क्या है कि नोटिस ज़रूर देनी चाहिए, जैसे कि कोई भी टर्मिनेट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहा है, प्रिंसिपल या एजेंट, तो एक नोटिस देनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा, ये नहीं कि काम छोड़ के भाग गया। तो रिवोकेशन और रिनाउंसिएशन के लिए नोटिस देना ज़रूरी है, बताना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 207 की, इसमें क्या है, रिवोकेशन एंड रिनाउंसिएशन मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो रिवोकेशन और रिनाउंसिएशन जो है, दोनों तरीके से किया सकता है, एक्सप्रेस भी और इम्प्लाइड भी। एक्सप्रेस मतलब बोल कर, लिख करके, एक्सप्रेस करके, इम्प्लाइड मतलब व्यवहार से ही पता चल जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो गया है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि दोस्तों ए एक प्रिंसिपल है, बी एक एजेंट है, प्रिंसिपल ने एजेंट से कहा कि मेरी लैंड तुम सेल कर दो, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्रिंसिपल ने खुद ही उस लैंड को बेच दिया, जबकि इसको अथॉरिटी थी कि तुम उस लैंड को बेचो। अब यहाँ पे जब प्रिंसिपल ने खुद ही बेच दिया उस लैंड को, तो अब बी के पास लैंड तो रहेगी नहीं सेल करने के लिए। तो ये एक इम्प्लाइड रिवोकेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब वो सेल नहीं कर सकता है, सेल हो चुकी है पहले से, इसी को हम इम्प्लाइड रिवोकेशन कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 208 की, इसमें क्या कहा गया है, वेन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट अथॉरिटी टेक्स इफेक्ट एज टू एजेंट एंड एज टू थर्ड पर्सन। तो टर्मिनेशन ऑफ एजेंट अथॉरिटी जो है, टर्मिनेशन कब इफेक्ट में आएगी, द टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट डज नॉट सो फार एज रिगार्ड्स द एजेंट टेक इफेक्ट बिफोर इट कम्स नोन टू हिम सो एज रिगार्ड थर्ड पर्सन बिफोर इट कम्स नोन टू हिम। तो इसमें दोस्तों क्या कहा गया है कि जब तक
नॉलेज नहीं मिलती है एजेंट को तब तक, या फिर प्रिंसिपल को, तब तक टर्मिनेशन नहीं हो सकता। जैसे कि एक प्रिंसिपल है, मान लो ए है और बी एक एजेंट है, ए ने और बी जो है एजेंट है, काम करता है प्रिंसिपल के लिए। ए ने एक लेटर लिखा कि तुम आज से जो है मेरे अंडर में काम नहीं करोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट हम ख़त्म करते हैं। तो जब तक लेटर पहुंच नहीं जाता उसके पास, तब तक वो कार्य करता रहेगा। अगर लेटर पहुंचने से पहले उसने ट्रांजैक्शन किए हैं तो वो वैलिड माने जाएंगे। तो जब तक लेटर उसको मिल नहीं जाता, उसको नॉलेज नहीं मिल जाती उस टर्मिनेशन के, तब तक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होगा। ओके दोस्तों, और दोस्तों जिनको भी इस वीडियो, इस चैप्टर की वीडियो देखनी हो, तीन पार्ट और हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से लिंक जा कर के ज़रूर देखें, ताकि आपको पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से समझ में आए अच्छे तरीके से। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 209 की। इसमें क्या कहा गया है, एजेंट ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल डेथ और इंसेंटी। प्रिंसिपल की डेथ अगर हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है, तो एजेंट की क्या ड्यूटी है? तो प्रिंसिपल की अगर डेथ होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि एजेंट तुरंत काम छोड़ करके भाग जाए, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर ले। प्रिंसिपल का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, एजेंट प्रिंसिपल के ख़त्म होने के बाद जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसके लिए उसे काम करना होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करे, काम जो भी लिया उसको पूरा करे, उसके बाद ही टर्मिनेट करे, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करे। ये कहता है सेक्शन 209। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 210 की। ये लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, वैसे लास्ट सेक्शन 238 है, लेकिन तो टॉपिक के हिसाब से सेक्शंस होते हैं, वो हमने पहले ही सेकंड पार्ट में कवर कर लिया है। तो लास्ट है सेक्शन 210, टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट अथॉरिटी। सब एजेंट की अथॉरिटी कैसे टर्मिनेट होगी? तो दोस्तों, अगर एजेंट को प्रिंसिपल ने टर्मिनेट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है एजेंट से, तो सब एजेंट ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएंगे, उनकी अथॉरिटी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, वो काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर एजेंट को प्रिंसिपल ने बोल दिया है कि तुम काम नहीं करोगे, तो उसके नीचे जो सब एजेंट हैं वो भी काम नहीं करेंगे, उनकी अथॉरिटी भी छिन जाती है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होता है। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और इसके बाद हम फिर से कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग से, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिनको भी पढ़ना है, वीडियो को स्टार्टिंग से देखें और सारे सेक्शन समझें, और उसमें हम केस लॉज भी कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं।